वीडियो स्टार्ट हो गया है ना। अब मैं आपको भेज रही हूँ, रुको। ये बेटा अब ये नहीं पता, मैं तुम्हें भेज रही हूँ। मैंने आज दिन में आपको बताया भी था ना, देखो। हाँ बेटा सीधे तुम्हें उसी में आना था, और तुम अब मीतू को कहो, मीतू आ जाता जरा सा। मीतू से तो अभी रात, मीतू ऑन है ना, जैसे ऑन तो कर दिया है, फिर वही गड़बड़ हो रहा है। चल मीतू मैं बंद कर रहा हूँ अभी, है चल देख, ठीक है। नहीं जुड़ पा रहे वो, दिन में जैसे जुड़ा था वैसे जुड़े हैं ना। हमें इनवाइट भी कर दिया, हाँ बेटा मैंने आपको इनवाइट किया है, अब आप आइए। देखिए और लोग सब आना शुरू हो गए हैं, आ गया। हाँ वर्टिकल तो रखना ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल रखिए आप। अच्छा चलो वर्टिकल में रख के फिर कर लेना। चलो पहले ऑन करो, तुम वर्टिकल करो फिर इसके आओ, पहले आओ तुम जल्दी करो, जल्दी से आओ। क्या हुआ? वो दो तीन लोग भी जुड़ पी गए। अब जुड़ रहे हैं, बेटा मैंने एडिंग का दबा दिया है, एडिंग से अब जुड़ना शुरू हो जाना चाहिए तुमको, एडिंग का कर भी दिया है। हो रहा है? हाँ कर बेटा कर, जल्दी, हाँ जल्दी करो, एडिंग करो। हाँ हो गया। अरे वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत। आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आंटी, आ क्या रही आ है? रही है? आ रही हाँ जी है। आंटी जी, चलिए सबसे पहले तो आपको मेरे पेज से और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का हार्दिक आभार, जो आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं। आप सब बच्चों को, दोनों बच्चों को, सिद्धार्थ और शुभम को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत सारा बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद, तो आज कार्यक्रम बहुत शुरू बहुत करने से धन्यवाद पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग अपने बारे में जी बताएं कि आप लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री राधे जय श्री श्याम। आज हम दोनों भाई आप सभी के समक्ष आए हैं, तो जैसा कि बेसिकली आंटी ने प्रश्न किया कि हम दोनों कहाँ के निवासी हैं, तो हम बेसिकली मुख्यतः श्रीधाम बरसाना के पास पहला गांव के निवासी हैं, और वर्तमान समय में सपरिवार सहित दिल्ली निवास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपने, ये आपको भजन गाने की कहाँ से लगा कि आपको भजन गाएं, कहाँ से इच्छा आपकी हुई? बेसिकली आंटी जी क्या था कि स्टार्टिंग में दादू जी जो थे वो गाना बजाना करते थे। बेसिकली हमारा जो पूरा घराना है, इस पूरे घराने में ही गाना बजाना होता आ रहा है, तो स्टार्टिंग में अच्छा हमारे दादू जी गाना बजाना करते थे, तो दादू जी से मुझे शौक लगा। तो दादू जी ने देखा कि मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, तो उन्होंने मुझे जी, गाना बजाना सिखाया, हारमोनियम वादन सिखाया। उसके बाद स्कूल टीचर्स ने भी मेरी काफी मदद करी, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं कुणाल सर, उन्होंने भी काफी हेल्प करा, वो काफी सपोर्ट करते हैं। पीयूष सर और विजय सर जो मेरे म्यूजिक टीचर हैं, वो भी मुझे काफी सपोर्ट करते हैं और मेरे को गाइड करते हैं काफी अच्छे से। अच्छा तो मम्मी इसी पापा भी तरीके आपको सहयोग करते हैं?
हाँ जी मम्मी बिल्कुल, पापा पूरी फैमिली का मेरे साथ सपोर्ट रहता है हमेशा। तो सिद्धार्थ आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं बेसिकली बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 11th में, और मेरा जो भाई है वो क्लास 9th में पढ़ रहा है अभी। ओके ओके और शिवम आप बताइए अपने बारे में, आप कौन से क्लास में हैं? जी बेसिकली मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, बाल भवन इंटरनेशनल तो आपको भी शौक है या भाई के साथ आप बजाते हैं सिर्फ? भाई के साथ बजाते हैं, शौक भी है। शौक भी है। तो आप लोगों ने इसके लिए कोई क्लासिकल म्यूजिक सीखा? जी बिल्कुल, मैं अभी प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से अपने जो कोर्स है उसे पूरा कर रहा हूँ, और अभी करंटली मेरा 5th ईयर का एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, और अभी तक मैं जूनियर और सीनियर डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। और अब हम मैं इस फेसबुक के माध्यम से, मेरे माध्यम से एक मुलाकात प्रोग्राम में जो भी लोग जुड़े, मैं सबका हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ जो सब लोग और आपके साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अरुण कुमार जी वो देख रहे हैं गाजियाबाद से, मेरी भाभी भैया मेरा मम्मी मदर सब देख रहे हैं, और बाकी जो लोग भी जुड़े हैं उन सबका हार्दिक आभार करती हूँ, अभिनंदन है, स्वागत है आप लोगों का। और बच्चों मैं आपके 4 लाइनों से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज आप हमको देवी का चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो एक पहले देवी की भेंट सुनाइएगा। तो मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ पंक्तियां बोल दूं। भोली सूरत सरल स्वभाव के कलाकार हैं, भोली सूरत सरल स्वभाव के कलाकार हैं, जिनके हृदय में सिर्फ कृष्ण के लिए प्यार है, जिनके हृदय में सिर्फ कृष्ण के लिए प्यार है। दूर ब्रज से आए हैं ब्रजवासी बंधु, दूर ब्रज से आए हैं ब्रजवासी बंधु, भजन सुनाने आप दोनों का ही आभार है, आप दोनों का ही आभार है। और बहुत बहुत जी आशीर्वाद आप बच्चों को। चलिए आप आज देवी का गीत सुनाइए पहले। सब द्वारों को छोड़ के मैं आया के माँ शेरों वाली बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों। मुझे बेटा कहके पुकारो माँ, 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 मुझे गोदी में प्यार दो, मुझे गोदी में प्यार करो, मेरे दिल में बात सारो माँ, मुझे बेटा कहके पुकारो माँ, मुझे बेटा कहके पुकारो माँ। बेटा बेटा कहके पहले हर एक माँ सब बुलाती है, मीठी मीठी बातें करके माँ के नाम से जगाती है, माँ के नाम से जगाती है। बेटा बेटा कहके पहले हर एक माँ सब बुलाती है, मीठी मीठी बातें करके माँ के नाम से जगाती है। तेरी जोड़ी चिंगाली है, तू तो क्यों जल्दी वाली है, तेरे शिकवा करा चारू माँ, चारू माँ, मुझे गोदी में ले प्यार करो, मेरे पिछले बाज सारू माँ, मुझे बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। और इस मेरे पेज से मिस्टर अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक आभार, और शंकर लाल जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत अभिनंदन, और अंशु बाबा जुड़े हैं, उन सबका आभार, और जो भी लोग इस पटल से जुड़े हैं उन सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत सुंदर भजन, बहुत ही प्यारा भजन। और अब आप जी
जैसे ब्रजवासी हैं, ब्रज के आप गीत सुनाते हैं, ब्रज के तो आप और कान्हा जी को याद करिए, कान्हा जी के भजन सुनाइए, बहुत सुंदर स्वर है आप लोगों का। आपके ऊपर सरस्वती जी की पूरी कृपा है, ईश्वर करे हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ आप विदेशों में भी नाम कमाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से अभी तक मैं काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ। आपकी जो उपलब्धियाँ हैं उनको बताइए, क्या क्या आपने कहाँ कहाँ प्रोग्राम किए हैं। बेसिकली अभी फिलहाल ही में हुआ अनुवृत्त गीत गायन प्रतियोगिता जो था स्टेट लेवल का, उसमें मेरा फर्स्ट पोजीशन रहा। संस्कृति उत्सव इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था, उसके अंदर काफी सारे प्रांतों के बच्चों ने रजिस्टर किया था, उसके अंदर भी आप सभी के आशीर्वाद से मेरा फर्स्ट पोजीशन रहा। और जितने भी वेरियस इंटर जोनल जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उनके अंदर भी काफी मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा। और इसके साथ साथ ही रिसेंटली मैंने शिकागो से भी माँ के चरणों में हाजिरी देते हुए लाइव करा था, तो उसमें भी मुझे आप सभी का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमारे देश के गौरव हैं बच्चे, इतने छोटे, मैं चाहूंगी बच्चे और भी देखें और आप ही लोगों की तरह आगे बढ़े। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को। तो सुनाइए कोई कान्हा का कोई बढ़िया सा भजन सुनाइए जी। तो अब मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही सुंदर भगवान कृष्ण का भजन रख रहा हूँ, ऐसी लागी लगन, और मुझे आशा है कि भजन आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लगी लगी लगन है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती ही, हीरे मोती से शोभा नहीं हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उसे जीव का जग में, प्रभु बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लगी लगी लगन, लगी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, मेरा हो गई मन, ऐसी लगी लगन, मेरा हो गई मन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने गली 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 गली
शिवम जी का तबला भी अति उत्तम, बहुत सुंदर तबला। और आपने तबला कहाँ से कब सीखा शिवम जी? मैं, मुझे भी शौक चढ़ा जब भैया प्राइजेस लाता था, सर्टिफिकेट लाता था, मुझे भी अंदर से एक मतलब एक मोटिवेशन मिली कि मैं भी भैया की तरह सर्टिफिकेट और ट्रॉफी लाऊं। तो मैंने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और मैंने भी सीखना शुरू कर दिया। ओके अच्छा, आप लोग ये अपना काम करते हैं तो आपको पढ़ाई में कोई बाधा तो नहीं आती? कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई और ये सारे शौक अपना? बेसिकली देखिए जी, ऐसा होता है कि हमारे फैमिली का सपोर्ट है ही, तो आप सभी बड़ों के आशीर्वाद और राधा रानी की कृपा से सब मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। मतलब जितनी इम्पोर्टेंस हमारे लिए म्यूजिक रखता है अपना, स्टडीज भी रखती है। तो मैं अपना टाइम जो है और शुभम का, हम दोनों ट्राई करते हैं कि हम दोनों का टाइम मैनेज हो जाए म्यूजिक के साथ भी और स्टडीज के साथ भी। तो इस हिसाब से हम लाइफ का टाइम रखते हैं। ओके, मेरे पटल से, मेरे फेसबुक से जुड़े हुए सारे लोग आप लोगों का तारीफ कर रहे हैं, आपका सब स्वागत कर रहे हैं और सब अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और अभी उनको ना कहते हुए आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और कुछ नया सुनाइए भजन जी। जी, अब मैं आप सबको हमारे श्री बाबा वृंदावन बिहारी जी के भजन सुना रहा हूँ और मुझे आशा है कि भजन भी आप सभी को अच्छा लगेगा। तो इस भजन के अंदर एक भक्त बिहारी जी को देखकर क्या कहता है कि तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कम से खड़ी। तो बहुत ही भाव में आकर वो भक्त जो है वो बिहारी जी से प्रार्थना कर रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान किले रख ले, मलिया चल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चले चले। कलिकाल कुठार लिए तन नम है चोट नजरी, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में गिरना। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, सुन लो मेरी शान सलोना, तुमने मुझे कर दिया को ना, तुमने वो मेरे सामने सोना, तुमने ही मुझे कर दिया को ना, कर दिया को ना, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी में तो कब से पड़ी,
तुम साथ और न पाया तुमसे ही तुम साथ और न से खड़ी, बहुत ही सुंदर भजन, बहुत सुंदर प्रस्तुति। सिद्धार्थ जी का स्वर और हारमोनियम और शिवम जी का तबला उतना ही जोरदार, दोनों की जुगलबंदी एक बढ़कर एक, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और अब जैसे आगे आपका आने वाले समय में क्या प्रोग्राम है, आगे आप लोगों के क्या है, क्या सोचा है आपने, कुछ आपके प्रोग्राम्स हैं? जी बेसिकली आने वाले समय के लिए जो मेरा प्लान है वो मैं यही चाहता हूँ कि मैं बस आप सभी के कारण आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहूं इसी तरीके से। और मैं फिलहाल में श्रीमद् भागवत का अध्ययन काफी बार कर चुका हूं और अभी कर भी रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आगे जाकर एक बहुत ही अच्छे लेवल का, अच्छी शैली का भागवत प्रवक्ता बनूं ताकि मैं भगवान के गुणों को पूरे संसार में फैला सकूं। बहुत सुंदर। अच्छा जैसे ये कोरोना चल रहे है तो इस समय तो आप लोग घर पे ही रहते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आप लोग कर रहे हैं या कहीं अभी मंच तो है नहीं आप लोगों के लिए, तो ऑनलाइन प्रोग्राम आप जाते हैं करने के लिए? जी जी बेसिकली क्या होता है कि हम अभी बेसिकली अगर कोविड ना होता तो हमारे बड़े भाई थे जिन्होंने हमें बुलाया था, अभी कुछ ही दिन पहले उनका कॉल आया है पास लुधियाना से, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं वहां प्रोग्राम करूँ, लेकिन उस टाइम पे परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं है, आप सभी जानते हैं कि इस समय कोविड-19 जो है बिल्कुल एकदम पीक पे है, तो इसलिए वो संभाल। बाकी मैंने आपको बताया मैं शिकागो से ड्राइव आया था, तो उस समय भी मेरे पास उनका कॉल आया था कि प्लीज आप अमेरिका आ जाइए एक प्रोग्राम कर लीजिए, लेकिन उस टाइम पे वहां भी कंडीशन जो है कोविड-19 की पीक पे थी, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम के द्वारा सभी के समक्ष मेरी प्रस्तुति रखनी पड़ी, और मैं चाहता हूँ कि सभी भक्तजन इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शिवम जी को भी गाने का शौक है या तबला ही बजाने का शौक है? गाते हैं आप? नहीं, तबले में अच्छा लगता है, तबला बजाना अच्छा लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, कोई और प्रस्तुति सुनाइए अपनी। तो अब मैं भजन आपको सुना रहा हूँ, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक भक्त बांके बिहारी जी से कहता है कि प्रभु आप इतना श्रृंगार मत किया करो, आपको नजर लग जाएगी। तो वो भक्त जो है एक अपने मन के भाव से भगवान से बात को कह रहा है, और क्या कह रहा है सुनिए। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी तेरी
श्रृंगार बहुत सुंदर भजन। अब चूंकि हम लोग थोड़ा सा लेट जुड़े थे, प्रोग्राम का टाइम था 7 से 7:30, अब थोड़ा समय आगे बढ़ गया है, तो अब हमारा प्रोग्राम समापन की ओर जा रहा है, और समापन से पहले एक कोई धमाकेदार प्रस्तुति हो जाए और फिर हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करें। तो एक प्रस्तुति और बढ़िया सी कोई सुना दीजिए जो आपको बेहद पसंद हो, जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जो आप हमेशा गाना पसंद करते हो, बस एक आखिरी प्रस्तुति और जी। मैं एक भजन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो इस भजन में जो है भगवान नारायण जो है वो माता लक्ष्मी से बात कहते हैं कि मैंने अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के रूपों को धारण करा। तो इसमें भगवान जो है वो कहते हैं नाना भात नचायो भक्तन ने मोकू लोक लाज तजे इन्हीं काज मैंने वैकुंठ हो बिसरायो, कि इन्हीं काज के लिए मैंने अपने वैकुंठ को भी छोड़ दिया। तो भगवान किस प्रकार से कह रहे हैं सुनिए। वृंदावन धाम तो बस भयो जहां पास बहे हमारा पट गानी योजन धाय के ज्ञान भरे वैकुंठ मिले तिनको रहज भानी चारहु वेद बखान करे अर संत मुनि निगुनि जनमानी यमुना यमदूतन तारत है भवतारत है श्री राधे करानी। नाना भात नचायो भक्तन ने मोकू नाना भात नचायो भक्तन ने मोकू नाना भात लोक नाच तजे लोक नाच तजे काज मने वैकुंठ हो बिसरायो बिसरायो नाना नचायो भक्तन ने जब गर्म बिसर गए ग्रह छुड़ाए मुझे प्रेम की तुकार ओ जब द्रौपदी बे ओ जब द्रौपदी बिचारी बोलिया मेरे काली मोह आस है तिहारी अब जान पागे सुनी तेरे सुनी तेरे करी दे मन तुर नहीं चीर बढ़ायो बढ़ायो नचायो भगवन ने मोकू नाना कहूँ शस्त्र में उठाऊ रण छोड़ भाग जाऊं तो पति गया हो बनाऊ कहीं भीख मांगू मन को डाल जाए पहुंचो बलिवार तीन तेरे नहीं पीना लोग ना पीना महाभारत ने अर्जुन के संग महाभारत ने अर्जुन के संग मैं सारे की तरह कहायो नचायो
बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मेरे प्रोग्राम एक मुलाकात की तरफ से आप सबको, आपको और जो भी पटल से जुड़े हुए लोग हैं, सबका स्वागत, सबका हार्दिक आभार। तो सब आए और हमारे लोगों की तरफ से आप बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। और जैसे आप हमारे देश में और हिंदुस्तान से बाहर भी आपका नाम हो, हम यही आपको आशीर्वाद देंगे। और फिर कभी फिर अगली बार मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात होगी, फिर मैं आप लोगों को बुलाऊंगी अपने स्टेज पे। और आपकी इसी कामनाओं के साथ चलिए आप प्रोग्राम को समापन करते हैं। नमस्कार, बहुत आशीर्वाद, जय राधे राधे, राधे राधे।